तुझे सामने देख दिल थामने मैं लगा तू नजर ना चुरा तेरा हो न चाहे तुझे ही पुकारे ये दिल हो गया है तेरा तू जो भी कहेगा मिलेगा ये ठेंगा यूं ही फैंटेसी ना बना तू बेकार ताके शकल देख जाके जरा खैर अपनी मना आगे पीछे फिर है क्यों तमाशे करे है होने वाला नहीं कुछ तेरा ख्वाब दिखे तू देखे कोई तुझको ना रोके पर अभी होश कर तू जरा कैसे इतरा रही है क्यों उड़ी जा रही है रख तू जमीन पर जरा कर लिया है इरादा कहीं लिख ले ये वादा तुझे अब है नहीं छोड़ना सोच कर तो बढ़ा ये लिपस्टिक ये मेकअप हुआ तेरा पैकअप तू जा अपना चेकअप करा मैं तेरा रोमियो 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 बड़ा तू मेरी हीर सोनी है मैं तेरा रोमियो 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 बड़ा तू मेरी हीर सोनी सोनिए बड़ा तू रोमियो शोमियो ये भी न जाने राजे की हीर सोनिए बातें शातें बनाना दूसरों को सताना तूने सीखा कहाँ से बता उम्र सारी चलेगा पर तुझे ना मिलेगा जो मेरे दिल का है रास्ता ये अकड़ ना भी तेरा दिल है धड़का है मेरा अब तो दिल है ये जिद पे अड़ा ये समझ ले इशारे छोड़ नखरे भी सारे हाथ में हाथ मुझको थमा ये टुकड़े उठाना अभी लेके जाना जो टूटेगा अब दिल तेरा तू कर ले बहाना मगर लेके जाना जरूरी हुआ दिल तेरा मैं तेरा रोमियो 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 बड़ा तू मेरी हीर सोनी है मैं तेरा रोमियो 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 बड़ा तू मेरी हीर सोनी सोमियो ये भी न जाने राजे की हीर सोनिए तुम ऐसी परेशान हो रही हो गाड़ी तो खड़ी है उसकी मिनाल 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 रोमियो कहाँ है तुम कभी तो फोन उठा लिया करो अपना सॉरी मामा फोन साइलेंट पे था भाई अपने कमरे में होगा
ये तो अंदर से लॉक है। रोमियो, रोमियो दरवाजा खोलो। रोमियो, हो सकता है भाई सो रहा हो सकता है बाथरूम में हो। रोमियो बेटा दरवाजा खोलो। शिनास, इस रूम की कीज किसके पास है? पता नहीं मामा, मैं गूगल से सर्च करके बताऊं बगैर चाबी के ताला खोलने के तरीके। गार्ड को बुला। रोमियो। करीम, करीम इधर आओ, जल्दी चलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुल नहीं रहा, चलो जोर से इसको तोड़ना है तो तोड़ दो। आ जाओ जल्दी आओ, इधर आओ। शनाज हटना जरा, मेरे साथ मिलकर जोर लगाओ यार, जोर लगाओ। रोमियो तो अपने कपड़े भी लेके गया है, वो कैसे जा सकता है? मैं बताऊं, खिड़की से कूद के जा सकता है। तुमने उसे जाते देखा है? मैंने क्या बार देखा कि रोमियो साहब को जाते हुए? आज जाते हुए देखा था। वो जी रोज जाते हुए देखना अच्छा लगता है। तुम बाहर चलो, जाकर पता करो किसके साथ गया है वो। राजा बताए मेरा बच्चा कहाँ जा सकता है? मामा मैं गूगल करके पता करूं, देखती हूँ कहाँ जा सकता है। वैसे कुछ ऑप्शंस तो आ रहे हैं, युगांडा और। शहनाज बेगम, मैं इसीलिए कहता था कि इतनी सख्ती ना किया करो। मैं सख्ती क्या करती हूँ, वैसी बात करती हूँ जैसे तुम लोगों से करती हूँ। इसीलिए तो कह रहा हूँ, इतनी सख्ती हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप जस्टिफाई करें उसकी हरकत को, उसे घर से भागना चाहिए था इजाजत लेकर। अरे घर वालों से इजाजत लेकर कोई घर से भागता है? पता करो उसके दोस्तों से। रोमियो का फोन नहीं मिल रहा। यहां कहां मिलेगा, फोन साथ लेकर गया होगा। डॉक्टर साहब रोमियो का फोन बंद जा रहा है, जरूर बैटरी डाउन होगी। अरे बहुत ही गैर जिम्मेदार है, उसे बैटरी चार्ज करके घर से भागना चाहिए था। मैं शांजे को फोन करती हूं, उसे बताऊंगा। हाय आंटी। हेलो शांजे, कहाँ हो? आंटी मेरी हाउस जॉब स्टार्ट हो गई है, बहुत थक जाती हूँ, घर पर ही हूँ। और क्या बात है, आप बहुत अपसेट लग रही हैं। रोमियो चला गया घर से, पता नहीं कहाँ चला गया, यूनिवर्सिटी भी नहीं आया था, मुझे लगा शायद तुम्हें पता होगा कि वो कहाँ पे। नहीं आंटी, मुझे रोमियो ने तो कुछ नहीं बताया, पर दो तीन दिन से वो बहुत अपसेट था, मेरे जोक्स पर हंसता भी नहीं था, इवन उसने मेरा फेसबुक का स्टेटस भी लाइक नहीं किया। और दो दिन पहले जब हम कॉफी पीने गए थे तो इतना अपसेट था कि बिल भी देना भूल गया। अच्छा कुछ पता चले तो मुझे बताना। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा रोमियो मुझे ये दिन दिखाएगा। मामा ये तो दिन नहीं रात है, वैसे मैं फेसबुक पे भाई के मिसिंग होने का स्टेटस लगा दूं? तुमने जरूर तमाशा लगाना है। उसके सारे जानने वालों के मुझे नंबर दो, किसी दोस्त के पास ही गया होगा, सारे नंबर निकालो उसके। ये उसके टेलीफोन के बिल्स हैं। हेलो, ये किसका नंबर है? आधी रात को तुमने ये पूछने के लिए फोन किया, ये किसका नंबर है?
ये मेरा नंबर है, कोई एतराज है क्या? आपका नाम? आवाज से तो तू बुढ़ा लग रहा है। आधी रात को तू मुझे नींद से उठाकर हीर का नाम पूछेगा तो तुझे क्या लगता है मैं बता दूंगी? सुनो तो। मैं क्यों सुनूं तुझे? तू कोई आतिफ असलम या अरिजीत सिंह है? आवाज से तो तू अताउल्लाह ऐसा खेल भी लग रहा है। और तुम्हें शर्म नहीं आती आधी रात को खूबसूरत लड़कियों को जगाकर गाने सुनाते हो? मेरी बात तो सुनो। अरे मैं क्यों सुनूं तुझे? तू हीर का मामा लगता है क्या? अब देख, अब तू मुझे कॉल मत कर, मैं हीर हूं आज के जमाने की और क्या। उठ। क्या कहा उसने? वो कह रही थी मैं आज के जमाने की हीर हूं, अभी कॉल ना करना। ये पहले के जमाने की और आज के जमाने की हीर में क्या फर्क है? मैं अभी नेट से सर्च करके बताती हूँ कि क्या फर्क। इसी ने पट्टी पढ़ाई होगी मेरे बेटे को घर से भागने की। मनाल फोन में लाओ। उठा ऐसे नहीं मानेगा। क्या तकलीफ है तुम्हें? किसी लेडी डॉक्टर को मिल गया, पूछ रही है क्या तकलीफ। हेलो, तुम जनाना आवाज बना के बोलोगे तो तुम्हें क्या लगता है मैं पहचानूंगी नहीं? बुढ़े, मुझे पता है तू मर्द है। मैं मर्द नहीं हूँ, मेरी बात सुनो। क्या सबूत है कि तुम मर्द नहीं? फेसबुक पे 80% जो लड़कियां होती है ना, वो असल में मर्द होती है। तो क्या मैं उन्हें लड़कियां समझ लूं? मैं रोमियो की मामा हूँ। बाकी आप मजाक कर रहे हो ना? मैं रोमियो की मामा हूँ। रोमियो कहाँ है? अगर आप रोमियो के मामा होती ना तो मैं आपसे पूछती कि रोमियो कहाँ है। अगर रोमियो की मामा होती तो पहले मर्दाना आवाज में क्यों बात करती? बताओ बताओ। मैं बहुत परेशान हूँ, रोमियो पता नहीं कहाँ चला गया बताए बगैर। आप असल में रोमियो के मामा है, वो आपको बताए बगैर कहीं जा ही नहीं सकता। अल्लाह ना करे कोई मसला ना हो गया हो। वो अपने कपड़े भी ले गए, नाराज होके गए। तुम्हारे पास आया ना, मेरी बात कराओ। कितनी बुरी बात है, इसने एक बार भी नहीं सोचा कि मामा कितनी अपसेट हो जाएंगी। आंटी मैं पता करवाती हूँ, आप फिक्र ही ना करें। पक्की बात है तुम्हारे पास नहीं है? उसने मुझे बताया तक नहीं कि वो घर से भाग रहा है। आंटी मेरे लिए कितनी बेइज्जती की बात है ना, वो जा कहां सकता है? सो क्यों नहीं रहे? क्या सोच रहे हो? यही सोच रहा हूँ कि नींद क्यों नहीं आ रही। जो हॉस्टल में भी नहीं सोता वो खोता है। सो जा, सुबह सोचना नींद क्यों नहीं आ रही थी। ये कौन आ गया सुबह सुबह? हीर तुम क्यों आई हो? ये बॉयज हॉस्टल में लड़कों को आने की इजाजत नहीं। अच्छा तुझे क्या लगा हीर इजाजत लेकर आएगी? अब तुम बीच में मत बोलना वरना मेरा सारा गुस्सा तुम पर निकल जाएगा, तो फिर मैं रोमियो पर क्या निकालूंगी? और तुम क्यों
किया तुमने मेरे साथ ऐसा बेवफा? मैंने क्या किया? अच्छा, तुमने वादा किया था कि हम दोनों साथ भागेंगे और तुम इसके साथ भाग गए? मतलब हमारी स्टोरी में ट्विस्ट क्या आनी थी, पूरी स्टोरी ट्विस्टेड हो गई। हीरा ऐसा बोलो, मुझे क्यों हॉस्टल से निकलवाना है? तू तो चुप कर, हीरो को बोलने दे, तू क्यों बोलने जा रहे? अरे यार हीर, मेरे घर वाले नहीं चाहते मेरी और तुम्हारी शादी हो। मैं उनसे नाराज होकर भाग के यहाँ पर आया हूँ और तुम मुझे पे शक कर रही हो। हाय अल्लाह, उफ, मेरा रोमियो, मेरा रोंजो, मेरा मजनू, हमने तो साथ भागना था ना बेवफा, तुमने कहा था हम मेरे साथ भागेंगे ना। प्लीज बोलना नहीं रोमियो, उसे छुपो। ये लड़की मुझे हॉस्टल से सड़क पर जरूर लेकर आएगी। ओए, ये क्या हो रहा है? ये अरे क्या बोले? क्यों ना बोले? लड़की की आवाज सुनी हमने यहाँ पे, कौन बोल रही थी? डाफर, लड़की की आवाज है तो लड़की बोल रही होगी ना। चुप। आपको नहीं बोल रहा मैं, अपने आप को बोल रहा हूँ। चेक करो कहाँ है वो, निकालो उसे बाहर। जाते हो या दो कान के नीचे कमीनो, समझते क्या खुद को? कमरे में है लड़की, यहीं से आवाज आ रही है, निकालो उसे बाहर। अभी गए कि नहीं? ए, वो लड़की इसमें। वीडियो वीडियो है। सुबह सुबह जाया होने वाले थे मुझसे, आज हम समझे असली है। आ जाओ। असली हूँ मैं। सब उसी की वजह से हुआ है। मेरा बेटा भी सफल। तुम जरा सो जाती शहनाज, सारा दिन ऑपरेशंस हैं तुम्हारे। सब कैंसिल करो, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। हाँ, दिमाग की क्या जरूरत है, बस लिप्स ही तो बड़े छोटे कर रहे होते हैं। मेरा मतलब है सर्जरी जो। हेलो हेलो आंटी जी, बताएं। आंटी आप मर्दाना आवाज से बोल रही हैं, मेरे फोन का मसला है। शहनाज, हीर का। बोलो क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अब आपकी आवाज जनाना हुई ना आंटी। हीर ने ढूंढ लिया रोमियो को, बस आप जल्दी से पहुंच जाए। रोमियो मिल गया। यही लगता है फिर से आ गई है कि हम लोगों को निकलवा के ही छोड़ेगी। खराब बात है, जो सुबह सोते वक्त सोने का मजा है वो रात में सोते वक्त सोने का मजा नहीं। क्या मसला है? अंकल आंटी आप, वो कुछ पीने को लाऊं? वो मामा पापा वो दरअसल बाकी बातें घर जाके होगी। चलो चलो रोमियो नाउ। रोमियो राज साहब, ये मेरा रोमियो लग ही नहीं रहा।
फिर तो वही लग रहा है। वो लड़की जादू करनी है, उसने मेरे बेटे पे जादू कर दिया है। ओह कम ऑन डॉक्टर शहनाज, नॉन मेडिकल बातें तो ना करो, ये जादू वादू कुछ नहीं होता। तुम घर से क्यों भागे? कोई वजह तो होगी, कोई तो रीजन होगा। मामा मैं गूगल करके बताऊं बॉयज के घर छोड़ने के कॉमन रीजंस। क्या मुझे अपनी मर्जी की शादी करने का कोई हक नहीं है? देखो रोमियो, कुछ हमसे सीखो, गलत फैसले ना करो। लेकिन पापा आपने भी तो लव मैरिज की थी। हाँ इसीलिए तो कह रहा हूं, हमसे सीखो, गलत फैसले ना करो। माँ पापा अगर अब आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी ना, तो उस बार मैं खिड़की से भागा था, इस दफा मैं छत से कूद के भागूंगा। ये भागने का कौन सा तरीका है? ओहो मामा, भाई खुदकुशी करने का पोलाइट रिमाइंडर दे रहे हैं। देखो रोमियो, हम जो भी कर रहे हैं ना तुम्हारे फायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी तुमको हीर से शादी करनी है तो ठीक है कर लो। थैंक यू पापा। तुम्हारी शेर ने इसको बिगाड़ दिया है, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। डॉक्टर शहनाज, रोमियो, मिनाल, जब औलाद अपनी मर्जी करने पर तुल जाए ना, तो वो हुक्म दो जो औलाद की मर्जी का हो, यही अकलमंदी है। रोमियो, तुम जब छोटे से थे ना और किसी चीज के लिए जिद करते थे तो मैं तुम्हारे लिए खरीद लेती थी, हालांकि मुझे पता होता था कि बहुत ही लो क्वालिटी की है। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम अब जिद करोगे तो मैं पूरी नहीं करूंगी? ये लो रोमियो, तुम्हारी मामा भी मान गई हीर से शादी करने के लिए। ये बात तो खत्म होने दो, मैं बात खत्म नहीं हुई है। ओ अच्छा, एक घंटे की स्पीच है, सुन लो, उसके बाद तेरा मैरिज का पैकेज अनाउंस हो जाएगा। मुझे तुम ऐसे किस तरह की पट्टी पढ़ा रहे हो? नहीं, मैं इसको कह रहा हूँ कि तुम्हारी मामा बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं अब इसके कान खींच के आता हूँ, तुम ठहरो। रोमियो चलो यहां से। Hi buddy, how are you? Hi, I'm fine. How are you? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे फाइन तो तुम्हें होना ही चाहिए। I can't believe it. तुम लव के चक्कर में घर से भाग गए। तुम कितने फनी लग रहे होगे ना, अपना सामान लेके तुम खिड़की से कूद रहे होगे। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? नहीं, मैं तो बहुत enjoy कर रही हूँ। तुम्हें पता है, मैंने अपनी सारी कोलीग्स को तुम्हारे बारे में बता दिया। सब बड़े इंप्रेस हुए तुमसे, सब कह रहे थे पिक्चर तो दिखाओ हमें मिस्टर लवर की। तुम सच में शादी कर रहे हो? हाँ। यू नो, एक पुराने साइंटिस्ट ने कहा है कि जो इश्क है ना, ये एक मेंटल इलनेस है। क्या नाम था उसका? हाँ, डॉक्टर असदुल्ला गालिब। असदुल्ला गालिब? असदुल्ला गालिब साइंटिस्ट नहीं थे, पोइट थे। वैसे ये जो जो इश्क में भागते हैं ना, अगर उनका मेंटल स्टेटस एग्जामिन करें तो पक्का कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी जरूर मिलेगी। तुम डॉक्टर्स ना वैसे हर चीज में अपना फायदा ढूंढना। अगर इश्क इलनेस डिक्लेयर हो गया ना, तो तुम्हारे ही क्लिनिक चलेंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारा इलाज पे बिल्कुल फ्री करेंगे। ठीक है, अब चलो, ये फ्री मेडिकल पैकेज मिलने पर मुझे लंच करवाओ, चलो। अच्छा ठीक है,
लेकिन वैसे मैं इंतजार करूंगा कि तुम भी कभी किसी के लिए प्यार में भागो। I love it यार, but मुझे नहीं लगता ऐसा कभी। चलो अब तुम जल्दी करो। अच्छा मैं चेंज तो कर लूँ ना। चलो फिर तुम चेंज कर लो और मैं तुम्हारा नीचे भी। ओके जस्ट 5 मिनट्स। लेकिन मैं वेट करूंगा, तुम भी भागो कभी किसी के लिए। वैसे शुगर है तो मेरे पेरेंट्स को तो पसंद आई। ओ हेलो, उनको मैं पहले से ही पसंद थी। ये डॉक्टर्स लोग ना हमेशा यही करते हैं, उनको बीमारी का पहले से पता चल जाता है, हर हफ्ते एमई टेस्ट करवाते रहते। अच्छा तो उनको बीमारी का पहले से ही पता था। रोमियो इधर आओ, तुम इधर आओ। वैसे मेरी बात सुनो, अभी हमें इतना खुश नहीं होना चाहिए। हमारे पेरेंट्स को एक दूसरे को पसंद करना बाकी है। हैं? वो क्यों एक दूसरे को पसंद करेंगे? शादी हमारी होनी, उनकी थोड़ी। यार हमारे खानदान में ना एक्चुअली लड़का लड़की को पसंद करने से ज्यादा एक दूसरे की फैमिली को पसंद करना बहुत जरूरी है। यानी कहानी में भी और भी ट्विस्ट है। चश्माटू तूने क्या लिखा है? तुम्हारे बगैर कैंपस बहुत खाली लगता है। ये देखो, तुम्हारे साथ जो हुआ मैंने सब लिख दिया है। अरे वाह चश्माटू, शाबाश। क्या सर पे मारूं तुम्हारे? लगा लो। रखो। देखो हमारी मोहब्बत सच्ची है और सच्ची मोहब्बत में ना हमेशा ही पंगे होते हैं। अच्छा तो फिर एक काम करो, अपने पेरेंट्स से पूछ के बताओ मेरे मामा पापा कब आ सकते हैं। मेरे मामा पापा तो एवर रेडी हैं। तुम एक काम करो, उनको इतवार को ले आओ, उस दिन बाजार का रश भी कम होगा। कहीं ऐसा ना हो कि बाजार के रश की वजह से हमारे रिश्ते पे कोई असर पड़े। हाँ ये ठीक रहेगा, वैसे भी किसी और दिन आते ना अगर मेरे पेरेंट्स तो वहाँ पे बैठ के सिर्फ ये हिसाब लगा रहे होते कि अभी तक कितने मरीज आ चुके होते और कितनी कमाई हो चुकी हो। चलो ठीक है फिर, डन हो गया। तो अपने पेरेंट्स को बता दो, मैं भी बता रही। मैं भी। ओके मैं इरशाद, ऐसे खाने बनाना कि रोमियो के माँ बाप उंगलियां चाटते रह जाएं। हाथों से खाएंगे तो उंगलियां चाटेंगे ना। मेरे माँ बाप की बारी में तो सारी माजूने ला के सामने रख दी थी। खुदाया नजर, कौन सी पुरानी पुरानी बातें लेके बैठ जाते। समाना बहुत बदल गया है। उस जमाने का पड़ा हुआ दवा खाने में मुरब्बा तो बदला नहीं, आज जमाना बदल गया। हकीम साहब आप भी कुछ ऐसे मशरूबात तैयार करवाइएगा जो लड़के वाले के घर वालों ने कभी ना पिए हो। अरे अम्मा आप फिक्र ही ना करो, अब्बा इस शहर के ऐसे हकीम है जिसकी दवा से मरीज दिनों में नहीं महीनों में ठीक हो जाता है। अफलातून तुझे तो तारीफ भी करनी नहीं आती, तू बस मुखालफों की तारीफ किया कर। अरे अब्बा की तो दवाएं मरीजों को मिनटों में ठीक कर देती हैं। अफलातून तो आज तक नहीं ठीक हो सका। सोनी बेटा नजर के लिए कुछ मीठा खाने को ला, उसका मुंह बहुत कड़वा लग रहा है। अब्बा देखे जमाना है रिमिक्स का, आप नॉन रिमिक्स मशरूबात बनाए बहुत चलेंगे। ओ भाई हेलो, कोई मेरी सास साहिबा की भी सुन लो, वो भी कुछ कह रही है।
आप कोई ऐसा कोई दामाद सफा शरबत बनाए जिससे आपको मेरे जैसा साफ दिल दामाद मिल सके। ओह थैंक यू थैंक यू। भाई मेरे होते हुए कोई फिक्र ना करें, इंशाल्लाह मेहमान को सिर माथे पे बिठाएंगे। हीर हीर घर सजाने में मेरी हेल्प तो कर दो। सजाना बनता भी है लेकिन ऐसा घर ना सजा लेना कि लगे कि घर में महफिल मुसालमा हो रही है। अच्छा अब्बा वो टाइम नहीं है, पैसे दे दें, बाजार जाकर ऑर्डर भी देना है ना। मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा अगर तुमने मुझसे पैसे मांगे तो। जाकर फजूल किस्म की शर्तें लगाकर पैसे जाया करेगा। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? भाई भी बहुत टाइम है जाने में, आपको बहुत पड़ी हुई अपने ससुराल जाने की। तुम्हारा जब तक वाईफाई बंद नहीं होगा ना तुम तैयार होना शुरू नहीं करोगी। हेलो हेल्थ मिनिस्टर साहब, बेगम साहिबा से? जी जी कराइए। जी बेगम साहिबा कैसी हैं? आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, एकदम टीनेजर बना दूंगी। माशाल्लाह बेटी की शादी है, उससे भी यंग कर दूंगी नेक्स्ट वीक। नया प्रोसीजर है, टाइम लगेगा, आप आ जाए आज आ जाए। वो बेगम साहिबा हेल्थ मिनिस्टर साहब से कहें मेरे हस्बैंड है ना डॉक्टर प्रोफेसर शहबाज राजा, उनके प्रिंसिपल वाला केस लटका हुआ है। सीनियोरिटी, क्या सीनियोरिटी, यहाँ जो ज्यादा जईफ होता है उसे सीनियर कह के प्रिंसिपल बना देते हैं। भाई ये सिलेक्शंस तो टैलेंट की बेसिस पे होने चाहिए। ओके मैं सीवी लेके आ जाऊंगी। थैंक यू बाय। यस ओह पता नहीं क्यों मुझे अपना प्रिंसिपल प्रिंसिपल महसूस हो रहा है। हेल्थ मिनिस्टर साहब की बेगम का प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर है आज। आज तो हम लोगों को हीर के घर जाना है ना। अब उनके घर जाने के चक्कर में मैं कोई इनकार तो नहीं कर सकती। देखो अगर रिटायरमेंट से एक दिन पहले भी बंदा प्रिंसिपल बन जाए तो फिर उसको हमेशा के लिए रिटायर्ड प्रिंसिपल कहते हैं। लेकिन उन लोगों ने जो इतनी तैयारियां की होंगी मामा पापा उसका क्या? क्या ओलंपिक्स की तैयारियां कर ली हैं? वही बेकरी से सड़े हुए बिस्किट और केक ले आए हैं। मैं अभी गूगल करके बताती हूँ कि ऐसे मौकों पर अंदरूनी शहर वाले क्या तैयारियां करते हैं। हम उनको कह देते हैं कि एक इमरजेंसी हो गई है, बल्कि मैं खुद बात करके बता देता हूँ, हम कल चले जाएंगे। तक नहीं आए मेहमान, जल्दी उनको फोन करो, मेरे कपड़े दोबारा इस्त्री करने वाले हो गए। अफलातून तू बाजार चला जा, उन्हें घर ढूंढने में मुश्किल ना हो। अब्बा इस बार उनकी गाड़ी खराब भी हो गई ना तो मैंने हाथ नहीं लगाना है। मुझे सारी दर्दें याद दिलानी थी। नजर भाई आपकी तो सिर्फ बेइज्जती हुई थी, चित्राल तो मेरी हुई थी ना। चित्रौल की दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती पर बेइज्जती की दर्द आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है। हीर हीर अरे पूछ ना वो घर से निकले या नहीं।
अरे कहाँ रह गई ये लड़की, पूछ ना। रोमी ने तुम्हारी बात कैसे सुन ली, खुद ही फोन कर दिया। हेलो। हाँ रोमी, कब पहुंच रहा? क्या 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 इमरजेंसी हो गई? सलाम अंकल जी। जी ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ हीर बेटा? अम्मा वो अंकल कह रहे थे कि इमरजेंसी हो गई है, अब्बा से माफी मांग रहे थे कि नहीं आ सकेंगे। लो, सिर्फ अब्बा से माफी? इतना टाइम तो मैंने अपने ब्याह में अपने ऊपर तैयार होने में नहीं लगाया था जितना मैंने आज लगाया, और सिर्फ अब्बा से माफी? हीर बेटा हुआ क्या है? अब्बा वो अंकल कह रहे थे कि हेल्थ मिनिस्टर की बीवी का इमरजेंसी बड़ा ऑपरेशन है तो आंटी को करना पड़ रहा है, इसलिए वो लोग कल आएंगे। एमपीए पोदीना की बीवी का भी बड़ा ऑपरेशन हुआ था, हम तो लेट नहीं हुए थे। अरे आप तो वेले थे, और करना क्या था, कोई आपको दोपहर के खाने पे बुलाए तो आप तो नाश्ते पे पहुंच जाते। मैं दमाद हूँ, इज्जत ही कोई नहीं मेरी इस घर में। नजर बेटा ये तारीफ कर रही थी, अपना तू जा कपड़े बदल ले फिर तू गंदा कर देगा। सोनी ये जो बर्तन साथ वालों से मंगवाए थे ना, ये उनको वापस करा, कल फिर मांग लेंगे, कल तो आ रहे हैं ना। अरे भाई इसकी एहतियात से क्या होगा, अंदरून शहर की तंग तंग गलियां तो देखो, ऊपर से ट्रैफिक का हाल देखो। हटो रेडी वाले, हटो। रोमियो वो तो अंधा है, तुम तो आगे देख के गाड़ी चलाओ। मैंने कहा था ना पुरानी वाली गाड़ी लेकर आते हैं, अगर कोई नुकसान हो गया तो रिपेयरिंग भी करा सकते हैं। वैसे शहनाज बात तुमने अकलमंदी की थी। क्या मतलब, मेरी बाकी बातें अकलमंदी की नहीं होती? अब समझते क्या मुझे, आप बाप बेटों ने मुझे सिर्फ परेशानियां दी हैं। ये कोई जगह शादी करने वाली? क्यों, यहाँ के लोग शादियां नहीं करते क्या? ओहो आगे देख के गाड़ी चलाओ। देखो एक वक्त में सिर्फ एक काम करे, या तो गाड़ी चलाए या दानिश्वरी। तो फिर तुम आ जाओ, तुम रोमी को हटाओ, तुम ड्राइविंग करो। नहीं नहीं नहीं, गाड़ी कौन लगाए तो। हाय। नहीं ये हीर का भाई है, वो वापस दे। तो क्या 500 और तू? तुम्हें खाएं, बहुत मजे का है। थैंक्स घर चले। ये आंटी मेरी अम्मी है। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसे हैं आप? ठीक है। अंदर चले अंदर चले। आइए 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 आइए। ये मेरे बहनों ही हैं, बड़े दामाद इस घर के, नजर भाई। बड़े ऐसे कहो के रुतबा बड़ा लगे, तुम तो ऐसे कह रही हो कि उम्र बड़ी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं नजर है। प्रोफेसर शहबाज राजा। ये वो इतने जिसने टीका लगाया था,
फिकर मत करे नजर भाई, टीकर साथ थोड़ी लेकर आया हूँ। क्या कह रहे हैं ये? अब आंटी आप बैठिए ना, अब मनाला बैठ क्यों नहीं रही? मुझे पता है आप पास में बता दो सेट हो जाएगी। ला मैं पासवर्ड डाल देती हूँ। ये लो। वाओ स्पीड कितनी अच्छी है। अरे अफलातून वो अब्बा जी को तो बुला। अरे कितनी लंबी उम्र है, वो आ गए। ये मेरे अब्बा जी हैं। अंकल कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। मैं ठीक ही रहता हूँ क्योंकि बकलम खुद मैं अल मशहूर हकीम लुकमान हूँ। ये ब्यूटी क्रीम है, आप जरूर इस्तेमाल करें क्योंकि आपको इसकी शदीद जरूरत है। ये तो हुकूमत से मंजूर शुदा भी नहीं है, फ्रॉड है आप। आवाम से तो मंजूर शुदा है, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है आवाम ने। आप कहां से क्वालिफाइड हैं? आपको ये सब कहने का किसने इख्तियार दिया है? किस किस्म के जाहिल लोगों को आप इनवाइट कर लेती हैं मॉर्निंग शो में? जाहिल तो आप हैं जो उल्टी सीधी सर्जरियां करके चेहरे खराब करती हैं। और आप नेक हैं, इलाज के नाम पे बीमारी हैं, आप बीमारी हैं। मैं